नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोट के साथ। लाइफ इज नेवर फ्री ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। तो जिंदगी कभी भी विरोधाभासों से मुक्त नहीं होती है। कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो चलती रहती है जिंदगी में। तो ये बात कही जा रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, जो कि 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रह चुके। और अगर इनके जीवन की बात करें तो ये भी काफी गरीब फैमिली से निकलकर आते हैं। पाकिस्तान का जो पंजाब है, वहां पर एक गांव है गा नाम का, जहां जहां पर इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिताजी थे वो फेरी वाले थे। तो फिर भी इन्होंने पढ़ाई की। ओके, तो माँ का साया सिर पे नहीं था। खुद पढ़े, जो भाई थे छोटे उनको पढ़ाया। और जब ये थोड़े बड़े हुए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इन्होंने जो है ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं पर की इकोनॉमिक्स में, और फिर ये गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सॉरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे ये। तो वहां पर जब ये पढ़ाई करते थे ना, तो एक बार अपने ही किसी फ्रेंड को ये बात कह रहे थे कि ये जो मेरी रोज सुबह 4 बजे उठने की आदत है ना, 4 बजे उठ के नहाने की आदत है, ये जिंदगी में मुझे जरूर कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे जरूर ले जाएगी। एक बंदा ये बात तब कह रहा है जब वो अपनी पीएचडी कर रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर, यूके में जाकर, और जो मन की भावना आ रही है ना, तो उसको प्रकट कर रहा है अपने दोस्त के सामने कि रोजाना 4 बजे उठ के नहाने की जो मेरी आदत है, वो जिंदगी में मुझे कहीं ना कहीं किसी मुकाम में जरूर ले जाएगी। तो वो लेकर गई। तो कहाँ तक का सफर रहा? अप टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो शुरुआत यहाँ पर बहुत कम से की, उन्होंने प्रोफेसर रहे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, आरबीआई के गवर्नर भी रहे। ओके, बाद में फाइनेंस मिनिस्टर रहे और फिर जाकर प्राइम मिनिस्टर बने। और जब आरबीआई के गवर्नर थे, उससे पहले भी इन्होंने जिम्मेदारियां निभाई। तो ये सिनेरियो रहा है। तो अगर आपकी एक रूटीन कोई रहती है ना, तो उस रूटीन को आप डेली फॉलो करते हो, रिलीजियसली फॉलो करते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, तो वो रंग लाती लाती है। तो हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते रहना है। तो यही हमें सीख मिलती है इनकी पर्सनैलिटी से। तो चलिए अभी फर्स्ट एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बात करें टू बीट वेरियंट्स, गो बिग ऑन वैक्सीन कोवैक्सीन, इट्स फाउंड टू न्यूट्रलाइज ऑल एमर्जिंग वेरियंट्स। तो अभी ऑथर बात कर रहे हैं कि एक स्टडी एक आई है, जिसमें एक जर्नल में पब्लिश हुई, जिसमें कहा गया है क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीजेस। ओके, तो अभी इनके बारे में यहाँ पर बात की जाए, तो जिसमें ये बात पता चली है कि जो भारत की अपनी बनाई हुई जो कोवैक्सीन है ना, तो वो जितने भी तरह के कोविड-19 के वेरियंट्स हैं, ओके, तो वो सबके खिलाफ यहाँ पर कारगर है। अच्छा फाइट जो है उन सभी वेरियंट्स को ये दे सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को यहाँ पर जो प्रोडक्शन है ना कोवैक्सीन की, उसको यहाँ पर चीफ प्रायोरिटी के हिसाब से उसको बढ़ाना होगा, उसको यहाँ पर फोकस करना होगा। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर क्या कर सकती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है भारत बायोटेक को, वो दे सकती है, पैसा दे सकती है। ओके, एज ए ग्रांट के रूप में दे सकती है, या फिर ऐसे भी दे सकती है कि जो जो ऑर्डर इन्होंने खरीदने हैं फ्यूचर में, उसके पहले ही यहाँ पर पेमेंट कर दी जाए। इस तरीके से भी यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, उसमें भी मदद की जा सकती है भारत बायोटेक की, कोवैक्सीन की जो है प्लांट जो है और लगाए जाएं, या फिर किसी के साथ यहाँ पर टाइप करके उसको भी जिम्मेदारी दी जाए कि आप जो है वैक्सीन बनाए भारत बायोटेक के बाहर जा कर। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करें फॉर लार्जर सप्लाई फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, मतलब सप्लाई चाहिए, तो इसके चलते अगर एडिशनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किसको करते हैं, तो यहाँ पर ये करने की बात करें कि इसको करो। अभी अगर मंथली प्रोडक्शन की बात करें कोवैक्सीन की, तो अभी 20 मिलियन डोजेस जो है ना पर मंथ के हिसाब से बनते हैं। तो अभी इसको एक्सपेंड करने की यहाँ पर बात चल रही है कि 60 से 70 मिलियन डोजेस जो है ना जुलाई अगस्त तक हमने पर मंथ के हिसाब से बनाने हैं, और यहाँ पर सितंबर तक जो है 100 मिलियन डोजेस पर मंथ के हिसाब से बनाने। तो यहाँ तक इस तरीके से कैपेसिटी बढ़ानी है, ये एक्सपेक्टेशन है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर ना एक्ट करना होगा, आना होगा, तो यहाँ पर प्रोडक्शन को फर्दर रेस करना होगा। तो गवर्नमेंट अभी कह रही है, गवर्नमेंट ने हाल में अनाउंस किया, कहा है कि जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है,
ये जो ICMR है ना, ये भारत की मेडिकल रिसर्च की एपेक्स बॉडी। ओके, तो अभी गवर्नमेंट क्या कहा कि ICMR और जो भारत बायोटेक, तो अभी इन दोनों ने मिलकर ही कोवैक्सीन का निर्माण किया हुआ है। ये कोवैक्सीन इन दोनों का टाई अप था, जिसके यहाँ पर चलते इन्होंने बनाया है। इसके साथ एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर और था, जिसका नाम था NIV, जिसका मतलब निकलता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, या वायरोलॉजी भी आप इसको कह सकते हो। तीसरा वो भी था बीच में। तो अभी भारत सरकार कह रही है कि ये दोनों की दोनों संस्थाएं जो है, ये जो है कोवैक्सीन का जो टेक्निकल ना हो है, मतलब कि किस तरीके से वैक्सीन बनाई जा सकती है, वो शेयर करने के लिए तैयार है किसी भी कंपनी के साथ, बशर्ते उस कंपनी के पास यहाँ पर BIOSAFETY Level 3 की फैसिलिटी हो। ओके, तो BIOSAFETY Level 3 मतलब इस तरीके का सिनेरियो हो कि मतलब वहां पर किसी तरीके का वायरस वगैरह जो ना उस लैब में ना पनपे। तो अभी अगर उसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसी लेबोरेटरीज जहां पर जो ना इन्फेक्शियस एजेंट्स या टॉक्सिन्स को हम जो है स्टडी करें, पढ़ाई करेंगे क्या है ये चीज। ओके, तो वो जो है ना ऐसे यहाँ पर डिजीजे जो कि ट्रांसमिट हो सकते हैं, हवा में रह सकते हैं और यहाँ पर जानलेवा इन्फेक्शन जो ना वो पैदा कर सकते हैं। ओके, तो अभी रिसर्चर्स ने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हो तो वहां पर एक बायोसेफ्टी कैबिनेट चाहिए, तो उसको यहाँ पर BIOSAFETY Level 3 कैबिनेट या लेबोरेटरी कह रहे हैं कि मतलब कि जहां पर जो वायरस है ना वो ना टिक पाए वायरस, अगर क्योंकि वहां पर सर्च तो होनी होनी है वायरस को निकाल कर, लेकिन वो टिकना नहीं चाहिए जिससे कि मतलब कि वो फैल जाए और जो वहां के रिसर्चर्स हैं उनका नुकसान करे। तो अभी अगर कॉमन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो यहाँ पर लगाया होता है यूजिंग रूम प्रेशर ग्रेडियंट्स और नेगेटिव प्रेशर। ओके, तो मतलब कहने का यहाँ पर हेपा नाम की टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाते हैं, जो कि क्या करती है, एक फिल्टर होता है ये, जो कि हवा जो बाहर भी निकालता है ना तो उसको भी यहाँ पर फिल्टर करके निकालता है। तो इसमें ऐसा होता है कि वायरस जो है ना वो बाहर नहीं फैल पाता। ओके, तो इसको हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर यहाँ पर फिल्टर बोलते हैं। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर उस पर्टिकुलर लैब में होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका भी डिस्पोजल अच्छे से होना चाहिए। तो हर एक यहाँ पर जो सतर्कता है ना वो बरती जानी चाहिए। तो उसको यहाँ पर हम टैग देते हैं BS3 लेबोरेटरी का। ओके, तो अभी इस तरीके से यहाँ पर ये हेपा नाम की टेक्नोलॉजी है, तो ये फिल्टर होता है। ओके, तो इसमें इस तरीके से ये जो है ना ये डस्ट जो है ये एक साइड पे हो जाती है, बाहर में जो है बाहर जो हवा जाती है साफ जाती है, मतलब जितने भी तरह का इन्फेक्शन है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ओके, इसको बाद में जो है डिस्पोज किया जा सकता है इसको अलग से, और बाकी जो साफ हवा है वो आगे निकल जाएगी। और आगे यहाँ पर बात करें कि ये भी यहाँ पर थोड़ा क्रिटिकल है, नाजुक घड़ी है कि मतलब जो कोवैक्सीन है यहाँ पर इनएक्टिवेटेड यहाँ पर वायरसेस का भी इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ आगे बात कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन पार्टनरशिप है ऑलरेडी यहाँ पर हाथ मिला लिए जा चुके हैं 3 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ, कि उनके साथ मिलकर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी कोवैक्सीन की। तो अभी आगे बात कर रहे हैं कि अगर अपने नंबर बढ़ाने हैं तो इसके लिए आपको जो है जो इंडिया की एग्जिस्टिंग BS3 लैब्स है, ठीक है, तो अभी उनको जो है ना अपग्रेड आपको करना पड़ेगा फ्रॉम रिसर्च टू प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। तो रिसर्च तो चलो वहां पर होगी होगी, लेकिन अभी प्रोडक्शन भी वहां पर होनी चाहिए। ओके, तो अभी उसके ऊपर फोकस करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर पैसा चाहिए, समय चाहिए। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर सोचना होगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट को अपग्रेड करें, किस तरीके से यहाँ पर जो है ना माहौल पैदा करें कि मतलब अपग्रेडेशन हो, आगे बढ़े यहाँ पर प्लांट, तो इन्वेस्टमेंट की जाए। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसे लगाने चाहिए। तो इसी के चलते यहाँ पर जो लैब्स है ना, तो यहाँ पर एक हब के तौर पर जो है विकसित हो सकती है फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। ओके, तो मतलब कि यहाँ से क्या नाउ हाउ है, मतलब किस तरीके से रिसर्च है उसको आगे फर्दर फॉरवर्ड किया, और जो भी यहाँ पर आसपास में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी के प्लांट है वहां पर भेजा और उसको आसानी से प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है इन BS3 लैब को अपग्रेड करने में, तो यहाँ पर ये प्रोडक्शन के लिए फिट बैठेगी और यहाँ पर इनको आगे भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोवैक्सीन। उसके अलावा भी अगर कोई भी चीज का हमने कुछ निर्माण करना हो फ्यूचर में, तो वो भी उसमें भी ये हमें सहायता दे सकेंगे। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की गई है उसको अलावा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर असिस्टेंस देनी चाहिए भारत बायोटेक को कि अपनी कैपेसिटी जो है ना BS3 लैब्स की उसको बढ़ाए, और जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको बढ़ाए, मतलब सहायता के तौर पर राशि भी इनको देनी चाहिए। और यहाँ पर जो फुली पेड अप ऑर्डर्स है, ठीक है, तो वो जो है वो भी भारत बायोटेक को यहाँ पर मदद दे सकते हैं, टाई अप विद द अदर वैक्सीन प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन।
अगर पहले से ही ऑर्डर दे देंगे ना, मतलब अगर कि भारत बैठो कि हमें इतने मिलियन डोजेस चाहिए, तो देखो अपनी कैपेसिटी हो सकता है कि उसकी 20 मिलियन बनाने की है, लेकिन फिर भारत बायोटेक को पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पर भारत सरकार 1 महीने के हिसाब से 100 मिलियन डोजेस की डिमांड कर रही है ना, तो भारत बायोटेक फिर खुद से जो ना अपने से अपने आप टाइप करेगा दूसरी कंपनीज के साथ, कि जहां पर वैक्सीन निर्माण करने की क्षमता किसी कंपनी के पास है लेकिन फॉर्मूला नहीं, उसके साथ यहाँ पर जो है टाइप करेगा, उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और उसको बोलेगा कि हमारा यहाँ पर टारगेट जो है 100 मिलियन डोजेस को प्रोड्यूस करने का है, तो चलो मिलकर करते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर सिनेरियो बनेगा। अगर पहले से आप पैसे दे देते हो, जो भी ऑर्डर आप जो है अगर 100 मिलियन डोजेस का ऑर्डर आप परचेज करना चाहते हो, तो पहले वो पूरा पैसा दे दो, ताकि कि वो भारत बैठक उस पैसे को यूज करके आगे अपनी अगर जो फर्दर कैपेसिटी उसको एक्सपेंड कर सके। और आखिर में यहाँ पर बात करने की, अभी पूरे ग्लोबली बात करें तो अभी यहाँ पर भी जो यहाँ पर टीकाकरण की जो दरें है ना, अभी इनको जरूरत है कि यहाँ पर उछाल लाया जाए। तो यहाँ पर नए नए वेरिएंट्स वायरस के निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कोवैक्सीन की बात करें तो ये अफेक्टिव है सभी वेरिएंट्स के खिलाफ, ये पाया गया है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि इनकी सप्लाई बढ़ाई जाए, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर जो प्रोडक्शन को इनकरेज करना चाहिए, पार्टनरशिप जो है ना अलग कंपनीज के साथ वो सेटअप हो, उसके ऊपर भी यहाँ पर काम करना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर अफ्रीका में भी कोवैक्सीन प्रोड्यूस हो, तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी वहां पर भी एक प्रोडक्शन प्लांट लगे और वहां से जो प्रोडक्शन निकलती है उसको इंडिया भी यूज करे और अफ्रीकन कंट्रीज को भी दिया जाए। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं ये वाला सेकेंड आर्टिकल, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑनर कैरन अवार्ड रिमूव अनसर्टेनिटी। तो अभी एक है क्या चीज, ये कैरन अवार्ड क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री जान लो पहले। तो ये एक कंपनी है कैरन एनर्जी के नाम से, यूके बेस्ड कंपनी है, ऑयल और नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन में काम करती है, नेचुरल गैस को ऑयल को एक्सप्लोर करती है, ये निकालती है। और इसने कुछ समय पहले ही ये भारत में आई, तो 2006 की बात है जब भारत में ही यहाँ पर किसी ऑलरेडी जो कंपनी चल रही थी उस कंपनी को इन्होंने खरीदा और भारत में अपना निवेश शुरू किया। तो उस समय जब खरीदा तो काफी कैपिटल गेन्स इनको, मुनाफा इनको हुआ क्योंकि आगे बढ़ते हुए, तो इसके चलते यहाँ पर भारत सरकार ने भी यहाँ पर टैक्स लगाया। टैक्स लगाया तो यहाँ पर काफी यहाँ पर बड़ी राशि यहाँ पर टैक्स के रूप पर लगी, तो जिसको टैक्स टेररिज्म के रूप पर भी देखा जाने लगा। बाद में यहाँ पर जब कंपनी आगे बढ़ी, तो फिर 2011-12 की बात है कि कैरन एनर्जी इंडिया ने जब जो यहाँ पर इंडिया का इनका यहाँ पर वर्जन था, तो इन्होंने सोचा कि हम इसको अभी बेच देते हैं, तो इन्होंने दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया अपनी अपनी कंपनी को, तो इसको बेचा गया वेदांता ग्रुप को। तो वेदांता ग्रुप तो ये भी ऑलरेडी काफी बड़ा ग्रुप है भारत में, तो इंडियन कंपनी है ये। तो अभी ये जो है ना वेदांता ग्रुप जब इसको बेचा गया, तो अभी ये काम करती है सारा जो भी ऑयल और नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें तो उस समय भी यहाँ पर जो था टैक्स जो था तो वो काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर लगाया गया, जिसके चलते यहाँ पर अनबन हो गई कैरन एनर्जी और भारत सरकार के बीच में, और काफी बड़े पैमाने पर एसेट्स अभी भी थे कैरन एनर्जी के इंडिया में, क्योंकि इन्होंने जो अपना हिस्सा बेचा था तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज के हिसाब से वेदांता ग्रुप को बेचा था, बाकी इनका यहाँ पर भारत में था। जिस जिस हिसाब से यहाँ पर ये काम कर रहे थे, तो लेकिन यहाँ पर टैक्स टैक्स डिस्प्यूट के चलते काफी जो था माहौल बिगड़ गया। तो उसके बाद धीरे धीरे करके वेदांता ग्रुप ने ही जितना परसेंटेज शेयर उनके पास था उनको यहाँ पर वो आगे बढ़ाते गए। तो यहाँ पर इन्होंने पहले इंडियन कोर्ट्स में केस फाइल किए भारत सरकार के खिलाफ, तो बात नहीं बनी, तो फिर यहाँ पर ये बाहर निकले। तो यहाँ पर यूके इंडिया इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एक है, उसी ट्रीटी के तहत यहाँ पर उन्होंने जो है कोर्ट में केस फाइल किया, यूके की कोर्ट्स में भी फाइल किया और फिर बाद में यूएस की कोर्ट में फाइल किया। तो अभी लेटेस्ट जो डिसीजन आया था, रूलिंग आई थी, वो यूएस की कोर्ट से आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जितना भी यहाँ पर आर्बिट्रेशन अवार्ड बनता है, जिसको कि कैरन अवार्ड भी कहते हैं, तो वो भारत सरकार जो है इस कंपनी को दे दे, इस कंपनी का हक बनता है, जो आप टैक्स वसूल कर रहे हो बहुत ज्यादा है, टैक्स टेररिज्म के तौर पर जो है आप मतलब भारत को देखा जा रहा है, तो ये 10,000 करोड़ के आसपास की ये राशि बनती है। तो अभी ये कैरन एनर्जी जो है इसके भी इंडिया में एसेट्स हैं, और दूसरी ओर अगर भारत सरकार की बात करें तो वर्ल्ड वाइड उसके भी काफी एसेट्स हैं। तो अगर हम बात करें तो बहुत सारे पीएसयू के यहाँ पर जो है ना
जो हम कह सकते हैं कि फर्दर कंपनीज उसके एसेट यहाँ पर आपको यूएस में भी देखने को मिलेंगे, यूके में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शिपिंग इंडस्ट्री की बात करें तो उसके भी एसेट्स देखने को मिलेंगे फॉरेन कंट्रीज में। एयर इंडिया की बात करें तो उसके भी एसेट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी पिछली बार जो रूलिंग आई उसमें यूएस कोर्ट ने तो कह दिया कि भारत सरकार यहाँ पर जो जितना भी पैसा बनता है इस कंपनी का उसको वापस करे, लेकिन भारत सरकार ने अभी दिया नहीं है। ओके, तो अभी जो लास्ट टाइम रूलिंग थी तो उस समय किरण एनर्जी ने ये भी बोला था कि अगर भारत सरकार थोड़ी ढील बरतती है तो हम यहाँ पर कुछ और पैसा जो है भारत में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हैं, अगर भारत सरकार थोड़ा अपना जो स्टैंड है ना वो सही करती है तो। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, ये क्यों न्यूज में आ गया दोबारा, अभी दोबारा से इन्होंने यहाँ पर कोर्ट में मूव किया है केरन एनर्जी ने। तो ये चाह रहे हैं कि यूएस में एयर इंडिया के जो एसेट्स है ना, जो हवाई जहाज वहां पर खड़े हैं, ओके, तो यहाँ पर उसकी यहाँ पर जो ना कुल कीमत यहाँ पर जो है 1.7 बिलियन डॉलर के आसपास बनती है। तो अभी कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन अवार्ड के तहत यहाँ पर वो जो है ना वो हमें यहाँ पर प्रदान कर दिया जाए, मतलब कि वो चीज जो भारत का एसेट है तो उसको ये मांग रहे हैं कि हमें दे दिया जाए, क्योंकि इनके भी एसेट जो है ना 10,000 करोड़ के आसपास के भारत में पड़े हैं, तो इनको वो पैसा चाहिए, वो एसेट्स किसी ना किसी रूप से वैल्यूएशन के हिसाब से इनको वापस चाहिए। ओके, तो वो मिल तो नहीं रहे, तो अभी भारत के जो एसेट्स बाहर है तो अभी उनको ये कैप्चर करने की बात करें तो अभी हाल ही में एयर इंडिया के एसेट्स की यहाँ पर इसको जो है ना एक्वायर करने की ये बात कर रहे हैं, कि जिसके चलते ये कह रहे हैं कि जो 1.7 बिलियन डॉलर का जो जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है ये हमें जो है ना इतना पैसा कम से कम हमें मिल जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ये भी मांग रहे हैं 500 मिलियन डॉलर का। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये टैक्स डिस्प्यूट में ये जो कंपनी है ना तो इसके हक में फैसला आ चुका है, भारत सरकार ये केस हार चुकी है यूएस कोर्ट में, लेकिन भारत सरकार को जो कहा गया है कि वो अभी तक उसने नहीं किया है, जो यहाँ पर उसको पैसे यहाँ पर वापस देने के लिए एसेट्स वापस देने के लिए बात कही वो अभी तक नहीं किया गया। तो अभी ऑथर कह रहे हैं कि अभी ये जो सिचुएशन बनती जा रही है चिंताजनक है, ये सही नहीं है। तो केरन ने यहाँ पर रिपोर्टली आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पर 70 बिलियन डॉलर के यहाँ पर एसेट जो है ना ये है किन के, यहाँ पर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं जो कि भारत के बाहर है लेकिन है भारत की कंपनी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 70 बिलियन डॉलर के एसेट्स भारत के बाहर बाहर के मुल्कों में है, तो अभी उनको ये टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं, तो ये अपने पैसे जुटाने के लिए उनको अटैच करने की बात कर रहे हैं। तो अभी इंडिया ने भी अपने प्लान किए हुए हैं, मतलब किस तरीके से एफर्ट्स करें, किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकले, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑथर बात करेंगे यही है कि वो जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड जो यहाँ पर जितना पैसा यहाँ पर देना है इनका इनका वापस करो और मामले को खत्म करो। ओके, और यहाँ पर दूसरी और ये भी बात करें कि जो केरन एनर्जी ने जो ऑफर किया था इंडिया में कि वो इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर तैयार है भारत में, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो टैक्स आर्बिट्रेशन मतलब जो टैक्स के रूप में जो भारत सरकार की मनमानी है ना तो उसको वो सही कर ले, जो यहाँ पर पिछले समय में जो चार्जेस वगैरह लगाए उसको सही कर ले, तो यहाँ पर जिस तरीके से भी हम आगे बढ़ना चाहें तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मतलब भारत में इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से मनमानी करेंगे टैक्स के क्षेत्र में तो एक तरीके से जो मार्केट वैल्यूएशन है ना वो डिप्रेस हो जाएगी, जो इंडियन एंटरप्राइजेस जो अपनी कंपनीज वगैरह चला रहे हैं भारत में वो, तो एक तरीके से इसको सही करने की बात कह रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अभी करंट स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी अभी जो अनिश्चितता की जो सिचुएशन बन गई है, ओके, तो अभी ये और भी यहाँ पर जो है ना खराब हो सकती है, ओके, तो इसको अब सही जो है करने का अभी समय है, तो अभी इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सो आगे बात कर रहे हैं कि जो करंट सेटलमेंट है तो अभी वो चाह रही है कि जितने भी लिस्टर स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं ठीक है उसकी जो मार्केट वैल्यू वो क्या है, तो अभी वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर बात कर रही है जिसका 70 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, स्टेट ओन्ड कंपनीज हो गया, तो अगर ये एयर इंडिया के ऊपर फोकस करती है ओके तो फिर मतलब मामला थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो भारत में वैसे एयर इंडिया मतलब उसकी सिचुएशन खराब है, 40-50 हज़ार करोड़ की कर्जे में ऑलरेडी चल रही, तो उसको वैसे बेचने की और लगाया हुआ है भारत सरकार ने। और दूसरी ओर अगर यहाँ पर ये बाहर की जो एसेट्स है अगर ये एक्वायर कर जाते हैं एयर इंडिया के, तो ये बहुत एक खराब सिचुएशन हो जाएगी, फिर ये भी टफ हो जाएगा कि इंडिया में भी ये बिके या ना बिके, क्योंकि जो इंडिया में अभी जो करार इनका हो रहा है जिस भी कंपनी जो भी कंपनी खरीदेगी अभी बोली लगेगी, तो यहाँ पर टाटा का ज्यादा दारोमदार कि टाटा खरीदेगा इसको एयर इंडिया को, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि 100% जितना भी यहाँ पर स्टॉक है जितने भी एयरप्लेन्स हैं जितने भी एसेट्स हैं पूरी दुनिया में एयर इंडिया के वो सभी बेचे जाएंगे,
और अगर यहाँ पर कुछ कोना दुनिया का अगर वहां पर ये कैरन एनर्जी एक्वायर कर लेता एयर इंडिया को, तो ये टफ हो जाएगा। फिर हो सकता है कि मतलब कि एयर इंडिया इसकी यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट हो पाए या फिर ना हो पाए या फिर डिले हो जाए, क्योंकि कोई भी यहाँ पर ना ऐसी डिस्प्यूटेड चीज नहीं खरीदेगा अगर भारत की बात करें तो। और इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर रेंज है जहां पर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए भारत के एसेट्स बाहर पड़े हुए हैं, जिससे कि अपना ये जो पैसा है ये वसूल कर सकते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के जो एयरक्राफ्ट है उनसे लेके जो यहाँ पर वेसल्स जो शिप्स हैं जो कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत चलाए जाते हैं, वो के जो सरकारी शिप्स है, तो अभी उनको भी एक्वायर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज यहाँ पर ऑन की जाती हैं स्टेट और बैंक्स टू ऑयल एंड गैस कार्गोस ओपीएसयू, जितने भी यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है भारत के बाहर, चाहे ऑयल के क्षेत्र में काम करे, चाहे गैस की, चाहे यहाँ पर स्टेट बैंक या बैंक्स के रूप में काम करे, तो वहां सब एसेट्स के ऊपर इनकी नजर है। इन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है कि अगर भारत सरकार सीधे तरीके से नहीं मानती है तो उसके एसेट्स को हम कैप्चर कर ले, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने कोर्ट में कह दिया है कि हमें इनको सेल करके हमें जो है हमें पैसे दे दीजिए। तो ये अगर एसेट्स यहाँ पर इस तरीके से आगे जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, तो इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर जो शेयर प्राइसेस हैं, ठीक है, ऐसे एसेट्स के, तो वो यहाँ पर डिप हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, और यहाँ पर जो रेपुटेशन है ना, तो वो भी रिस्क यहाँ पर हो जाएगा भारत के सामने। रेपुटेशन भी खराब होगी उन सभी अदारों की जो कि यहाँ पर बाहर जो है बिक गए और यहाँ पर इंडिया में अभी भी चल रहे हैं। तो ये बड़ी मतलब शर्मनाक बात ये होगी भारत के लिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। दूसरी ओर बात करें जो पाकिस्तान है और जो वेनेजुएला है, तो इन्होंने भी सिमिलर ऐसा इन्फोर्समेंट एक्शन जो है मतलब फेस किया हुआ है, जब ये भी अपना आर्बिट्रेशन अवार्ड पे नहीं कर पाए जिस भी कंपनी के साथ इनका डिस्प्यूट हुआ होगा। तो वेनेजुएला ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये भी ऑयल रिच कंट्री है, लेकिन अभी इसकी इकोनॉमी बहुत खराब हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर भी डीमोनिटाइजेशन हुई थी और बाद में इनका जो फोकस था सिर्फ ऑयल के ऊपर ही रहा, इसके अलावा इन्होंने और किसी सेक्टर में फोकस नहीं किया, जिसके चलते अभी इकोनॉमी दोबारा से इनकी उभर रही है दोबारा से। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि ये जो कैरन एनर्जी है ना, तो ये ऐसी कंपनी नहीं है कि जो भारत चाहेगा कि उसको इंडिया में रखा जाए। ओके, तो अभी इंडिया को सोच समझ कर जो है यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। और आखिर में ऑथर बात करें, जो ये कैरन का जो केस है ये निकल कर आता है जब इन्होंने बिजनेस रीऑर्गेनाइज किया था सन 2006 में बिफोर इट्स आईपीओ। तो इन्होंने यहाँ पर अभी आईपीओ पे ये नहीं गए थे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे नहीं गए थे कि यहाँ पर कि लोगों के साथ या लोगों के पास जाकर पैसा उठाएं। तो जिसके चलते यहाँ पर जनवरी 2007 की बात कर रहे हैं कि ये लिस्टेड तब हुई थी स्टॉक मार्केट में, बाद में जब लिस्टेड कंपनी हो जाती तब जाकर आईपीओ के तहत आप पैसा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनके जो हाइड्रोकार्बन जो एसेट्स हैं, ओके, तो यहाँ पर जो भी ग्रुप इसको चला रहा, तो यहाँ पर जो केरन इंडिया के अंतर्गत काम कर रहे थे, तो अभी उसमें चेंज लाया गया, तो यहाँ पर जो बेनिफिशियल ओनरशिप थी उसमें यहाँ पर बदलाव नहीं लाया गया। ओके, तो यहाँ पर एसेट्स को तो कवर किया गया केरन एनर्जी के द्वारा 2006 में जिस भी कंपनी के एसेट्स इन्होंने खरीदे हैं, लेकिन जो ओनरशिप थी उसको उसमें ज्यादा बदलाव यहाँ पर ये नहीं लेकर आए। ओके, तो मतलब इसी के चलते भारत सरकार ने यहाँ पर लगा कि कुछ टैक्स डिस्प्यूट बन रहा है, मतलब टैक्स से ये बच रहे हैं, इनको थोड़ा मुनाफा हुआ है। ओके, तो जिसके चलते कि हमें भी यहाँ पर टैक्स लगाना चाहिए, तो भारत सरकार ने लगाया, जब तब से ये डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, तो अभी अनलाइक इन द वोडाफोन केस, तो वोडाफोन केस यहाँ पर इस केस में भी ये भी एक केस हुआ था जिसमें मतलब वही यहाँ पर आर्बिट्रेशन अवार्ड का ही ये चक्कर था और ये भी केस भारत सरकार हार गई थी। ओके, तो यहाँ पर भी वही टैक्स टेररिज्म की बात करते हैं कि भारत सरकार अपनी मनमानी से टैक्स लगाती है, जितना जी करे उतना यहाँ पर वो टैक्स यहाँ पर ठोक देती है, जिसके चलते ये मतलब ये दारे बोलते हैं ये सही नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज किसी एक बड़ी डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। तो ये केस भी भारत सरकार हार गई थी और यहाँ पर इनको भी जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है ना वो इनको देना है। ओके, तो अभी इनका केस थोड़ा अलग था। ओके, तो इनका थोड़ा सा अलग है। ओके, तो यहाँ पर जो है केरन एनर्जी की अगर बात करें, तो यहाँ पर ये काम करती है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, तो अच्छी खासी डिस्कवरी इन्होंने ऑलरेडी की हुई है। तो अगर यहाँ पर ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन होती है, तो सीधे सीधे यहाँ पर जो ऑयल इम्पोर्ट है, फ्यूल इम्पोर्ट है हमारे देश की, वो यहाँ पर कम हो सकते हैं और ये जो है ना एक बेटर रिवॉर्ड जो है ना वो डिजर्व करते हैं। इसी के चलते ये कह रहे हैं कि ऑनर कर दो इनको, जो ये अवार्ड जो जो पैसा ये मांग रहे हैं वो पैसा इनको प्रोवाइड कर दिया जाए और यहाँ पर जो भी अनिश्चितता बनी हुई ना उसको दूर करो। मतलब ऐसा ना हो कि
आने वाले समय में एयर इंडिया के एसेट्स या भारत के जो भी एसेट्स फॉरेन में पड़े हुए हैं फॉरेन कंट्रीज में, ये उनको एक्वायर करने के लिए वहां फर्दर उनकी कोर्ट्स में अर्जियां देते जाए और उनको उनकी कोर्ट जो है ना इजाजत भी दे दे कि आप एक्वायर कर लो, तो फिर भारत सरकार क्या कर लेगी वहां पर? तो ये हमारी रेपुटेशन के ऊपर बड़ा सवाल हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके चलते इनको ऑनर कर दिया जाए। तो आगे यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट जानकारी दी जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक जॉइंट स्टडी, जिसके रिगार्डिंग ये कह रहे हैं कि अगर 55 घंटों से एक हफ्ते में ज्यादा काम करते हो ना, तो अगर 55 घंटों की लिमिट को क्रॉस करते हो एक हफ्ते में, तो यहाँ पर चांसेस हैं, ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पर कि मृत्यु होने के फ्रॉम हार्ट डिजीजेस एंड हार्ट स्ट्रोक्स। ओके, तो मतलब कि स्ट्रोक भी आ सकता है और कोई बीमारी भी लग सकती है दिल की। यहाँ पर WHO और ILO की यहाँ पर जॉइंट स्टडी है, तो ये चेतावनी दे रहे हैं। तो यहाँ अगर आप लगातार काम करते हो तो यहाँ पर 35% बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा कि एक स्ट्रोक जो है ना आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। और 70% यहाँ पर 17% की बात करें कि इसका जो है रिस्क जो है हो सकता है कि मृत्यु हो सकती है किसी यहाँ पर दिल की बीमारी की वजह से। ओके, तो अगर कंपैरिजन किया जाए इनका 35 से 40 घंटे जो काम करते हैं एक हफ्ते में उनके साथ, तो अभी ये जो डाटा दिया जा रहा है ये 2000 से लेके सन 2016 तक के बीच में यहाँ पर ये स्टडी की है इन्होंने, जिसके रिगार्डिंग पाया है कि जो हार्ट डिजीजेस की जो डेथ हुई है उनको यहाँ पर लॉन्ग वर्किंग आवर्स के साथ यहाँ पर लिंक करके देखा गया, जिसमें पाया गया कि यहाँ पर जो वर्किंग आवर है और जो यहाँ पर डेथ हुई है यहाँ पर 40% यहाँ पर राइज हुआ है, 42% राइज हुआ है। मतलब अगर ज्यादा लंबा लंबे समय तक यहाँ पर काम करते हो तो, और यहाँ पर स्ट्रोक्स की भी बात करें कि वो भी उसमें भी 19% का राइज यहाँ पर देखने को मिला है पिछले यहाँ पर कुछ सालों में। तो ये डाटा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। तो यहाँ पर जो कुल आबादी, तो ये 2016 तक की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिन लोगों जो आबादी 55 घंटों से ज्यादा काम करती है तो उसकी परसेंटेज यहाँ पर बताई गई है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की 11.4%, 6.4% अमेरिकन की बात करें। ओके, तो ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों आ जाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर ईस्टर्न मेडिटेरियन की बात करें, यहाँ पर जो मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न फ्रंट पे जो आसपास के देश आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न पैसिफिक की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर 11.7 है जो साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है। साउथ ईस्ट एशिया जो ये एशियन कंट्रीज आ गए, तो यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर ना लॉन्ग वर्किंग आवर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी ये यहाँ पर पूरा डाटा है कि यहाँ पर अफ्रीका की अगर बात करें, अगर 11% लोग 55 घंटों से ज्यादा काम करें तो उनमें से कितने परसेंट लोगों को हार्ट डिजीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हार्ट स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। तो हार्ट स्ट्रोक यहाँ पर हार्ट अटैक के यहाँ पर चांसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो डिजीज के यहाँ पर चांसेस आधे हैं उसके मुकाबले में। तो ये सिनेरियो है, तो काम उसी हिसाब से करना चाहिए जिस हिसाब से आपका जो बॉडी है माइंड है वो परमात्मा ने दिया है, तो उसके बारे में सबको अपना अपना पता होता है, तो वही काम चुनना चाहिए जो आपके लिए फिट बैठता है। तो 55 घंटे लगातार ये काम करना, इससे ज्यादा अगर करोगे तो टफ हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ना अगर 55 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली ना यहाँ पर डे के हिसाब से 8 घंटे बनते हैं, तो 8 घंटे सफिशियंट है। तो इस 8 घंटों में भी यहाँ पर ब्रेक वगैरह होती है, ऐसा नहीं कि लगातार 8 घंटे काम करना होता है। तो ये सही है, ये जो रूलिंग है बिल्कुल सही है, लेकिन उससे ज्यादा एक्सीड करना ये टफ हो जाता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर थर्ड की। तो ये है एडिटोरियल नंबर थर्ड, वर्क फ्रॉम होम सेक्टर। तो अभी यहां पर बात कर रहे हैं रियल एस्टेट फाइनेंसिंग और वर्क फ्रॉम होम सेक्टर। तो यहाँ पर बेसिकली जो घर बनाए जाते हैं ना उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि निर्मला सीतारमण जी जो है उन्होंने यहाँ पर जो पहला सेट घरों का जो बनाया जा चुका है यहाँ पर उसको हैंड ओवर किया है आगे, जो कि यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। किसके थ्रू? तो यहाँ पर जो कैपिटल, जो पैसा प्रोवाइड किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड। तो अभी ये जो स्वामी स्वामी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंड है ना, इसके थ्रू ये घरों का निर्माण हुआ है, जिसको कि हैंड ओवर किया है जिन जिन लोगों ने यहाँ पर वो घर खरीदे हुए। ओके, जिसको कि यहाँ पर इस फंड को किसने मैनेज किया है? इस फंड को मैनेज किया है SBI कैप वेंचर। तो ये SBI का ही एक विंग है जो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में।
अगर बात करें स्वामी फंड की, तो ये क्यों बनाया गया, इसको बनाने का यहाँ पर जो बेसिक रीजन था वो ये था कि बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर में रहते थे, जहां पर घर बन रहे हैं, जहाँ बिल्डिंग्स बन रही है, स्कूल वगैरह की, जहाँ रेस्टोरेंट की, तो मतलब कि चैलेंजेस ये रहते थे कि पैसा। तो सबसे पहले यहाँ पर चैलेंज यही था कि ये प्रोजेक्ट डिले हो जाते थे। कहने का मतलब, अगर कहीं पर कोई बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो गया कि वहां पर फ्लैट्स बनेंगे, ठीक है, तो फ्लैट्स बनेंगे, लोग यहाँ पर अपना घर खरीदेंगे, तो प्री बुकिंग हो जाती है पहले। ओके, लेकिन होता क्या है, डिमांड इतनी ज्यादा है घरों की कि लोग यहाँ पर अगर किसी बड़े शहर में चले जाएं, तो वो चाह रहे हैं कि किसी अच्छी लोकेशन में हमें कोई ना कोई अच्छा फ्लैट मिल जाए। ओके, तो जो कि मतलब अगर बिल्डिंग अभी बन ही रही होती है कि पहले ही मतलब फ्लैट वगैरह बुक हो जाते हैं, तो जिसके चलते ना बुक तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पैसे की कमी की वजह से जो बिल्डर इसको बना रहा होता है, तो ये डिले हो जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो विश्वास होता है कंज्यूमर का, वो यहाँ पर इरोज होता है, खत्म होता है, कि मतलब वो चाह रहे होते कि जल्दी से जल्दी हमें जो है ना फिनिश प्रोजेक्ट, हमारा घर जो है बनकर हमें तैयार मिल जाए। तो जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट दी होती है ना, उससे कहीं ज्यादा ये समय चला जाता है। और इसी चलते यहाँ पर पहले यही मैकेनिज्म था, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट फाइनेंस होते थे तो बिल्डर खुद करता था, जिस बिल्डर के पास यहाँ पर ठेका होता था कि इसने इस बिल्डिंग का निर्माण करना है, तो खुद से पैसा जुटाता था और यहाँ पर फाइनेंस करता था। तो यहाँ पर क्या करता था कि कई बार जो अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट होते थे ना बिल्डर के, मतलब जहां पर काम चल रहा है कि यहाँ पर भी घर बनने, तो उनको भी बेच देता था, उनको बेच के पैसा आता था फर्दर, फिर जो एक यहाँ पर प्रायोरिटी वाला प्रोजेक्ट, उसके ऊपर पैसा लगाता था। अभी इस चेन को यहाँ पर तोड़ा गया है इस यहाँ पर स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के तहत। और आगे यहाँ पर बात करें कि ऐसे ही कॉन्स्टेंट को, रुकावटों को ओवरकम करने के लिए, तो यहाँ पर बिल्डर को क्या चाहिए, बिल्डर को चाहिए कि यहाँ पर पैसा रेज करे, पैसा चाहिए उसको। तो पैसा अगर उसके पास कंटिन्यू आता रहेगा, तो ऐसा जो काम जो है घरों घरों के निर्माण का, वो समय रहते कंप्लीट होता जाएगा। तो अगर बैंकों की बात करें भारत में, तो वो यहाँ पर लैंड कंपोनेंट जो है ना, तो उसको वो फंड नहीं करते हैं। ओके, तो जहां करके मतलब कि अगर प्रोजेक्ट की बात करें, तो सबसे ज्यादा खर्चा ही यहाँ पर जमीन खरीदने में आता है। जमीन आएगी तभी वहां पर आप कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर पाओगे। तो बैंक जो है ना, यहाँ पर ऐसे लैंड कंपोनेंट के ऊपर फंडिंग करने से इतराते हैं। ओके, तो यहाँ पर दूसरा बात करेंगे, अगर कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट की भी बात करें ना, घर का निर्माण करना, तो वो भी टफ है। तो उसके रिगार्डिंग भी अगर बैंकों ने फंडिंग करना हो, तो यहाँ पर वो मतलब एक तरीके से उनके लिए जोखिम भरा काम है, तो उसके लिए भी वो थोड़ा साइड पे रहते हैं। तो यहाँ पर अगर वो पैसे देते भी है ना, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, कि यहाँ पर घर बनाना है तो पैसे चाहिए, तो फिर भी वो मतलब बड़े मतलब इस तरीके से देते हैं कि कंजर्वेटिव होके, कि मतलब जो भी इन्होंने रेट वगैरह लगा दिया तो वो वही रहेगा, उससे उसमें किसी भी तरीके का अपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। ओके, तो यहाँ पर वो अपरिवर्तन यहाँ पर कह रहे हैं इसको, सॉरी, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनवादी वो रहेगा। कहने का मतलब, जो रेट इन्होंने एक बार फिक्स कर दिए, चाहे कल को जहां पर आप काम कर रहे हो, यहाँ पर अगर फ्लक्चुएशन आता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, जैसे जो सीमेंट के प्राइस वो बढ़ गए, स्टील के प्राइस वो बढ़ गए, तो उससे इनको यहाँ पर बैंकों को कोई लेने देना नहीं। उन्होंने जो एक बार प्राइस लगा दिया कि इतना इंटरेस्ट लेंगे, तो इतना उनको देना पड़ेगा। तो ये फ्लक्चुएशन इस ये भी नहीं देखते। तो ये यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मार्क किया हुआ कि इस तरीके से बैंक जो है फंडिंग करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉम्पोनेंट को, अगर करते भी हैं तो। और आगे यहाँ पर बात करें, जो अभी का जो लेंडिंग स्ट्रक्चर है बैंकों का, वो ज्यादातर ऐसा है कि वो कंपनीज को ही ज्यादातर पैसा देने में वो खुश होते हैं, कि अगर कोई नया स्टार्टअप आया है तो वहां पर पैसे लगा दिए जाए, ताकि जो कि फ्यूचर में हमारा पैसा जो है बैंकों का, वो आगे बढ़े, अच्छा खासा रिटर्न उनको टाइमली मैनर पे मिलता रहे। तो ये जो है ना, ये अभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक नहीं है बैंक, जिसके चलते यहाँ पर बिल्डर्स को फिर यहाँ पर किन के ऊपर रिलाय यहाँ पर होना पड़ता है, इनको रिलाय होना पड़ता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की ओर, मतलब फिर उनकी ओर ये रुख करते हैं कि चलो वही थोड़ा बहुत पैसा दे दे, कि पैसा उनके पास बिल्डर के पास आएगा तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो टाइमली मैनर में कंप्लीट हो जाएगा, और जिन्होंने बुक किए हुए फ्लैट्स उनको समय रहते मिल जाएंगे। ओके, तो बुक करने में भी काफी पैसा ये दे देते हैं जो जो कंज्यूमर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें, तो पहले एनबीएफसी की मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अक्सर देता हूँ, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया जो गोल्ड लोन आपको देता है, वो एनबीएफसी है। ओके, तो यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब फाइनेंस की सुविधा वो देती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से वो बैंक नहीं है। तो इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, टोयोटा एनबीएफसी, तो टोयोटा की जो गाड़ी वगैरह आप खरीदने जाते हैं, तो वहां पर उस एजेंसी के अंदर ही होता है टोयोटा एनबीएफसी। ओके, तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि आप हमारी कंपनी की गाड़ी खरीदें, फाइनेंस भी हम ही करेंगे, और हमें जो है आप कुछ परसेंटेज के हिसाब से आप हमें ब्याज देते रहना महीने के हिसाब से। ओके, तो ये एनबीएफसी की एग्जाम्पल होगी। तो अभी
बिल्डर्स जो है रुख करते हैं एनबीएफसी का, कि मतलब कि हमारे जो फंडिंग में हेल्प हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी अभी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज क्राइसिस देखने को मिल रहा है भारत में, वो तो पिछले कुछ सालों से, जिसके चलते यहाँ पर एनबीएफसी भी अभी जो है वो डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे हैं, जो यहाँ पर बिल्डर जिनको जितना पैसा बिल्डर्स को चाहिए उतना पैसा वो नहीं दे पा रहे। और इसके चलते ऐसा है दूसरी ओर कि बहुत सारे यहाँ पर होम ओनर्स है जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर पे कर दिया है, जो अभी यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि घर जो है कंप्लीट बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन पैसा पे कर दिया है कि ये फ्लैट हमारा ही होगा, ये घर हमारा ही होगा। तो यहाँ पर वो उनको ऐसा फील होता है कि हमारा पैसा जो है ना यहाँ पर रुक गया है, स्टक हो गया किसी जगह पर जाके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रियल एस्टेट के एसेट्स हैं डिले होता जा रहा है लगातार। यहाँ पर कमिटमेंट थी कि किसी फलानी डेट को आपको जो है घर दे दिया जाएगा, लेकिन उससे काफी ज्यादा समय आगे चला गया, साल 1.5 साल, मतलब काफी समय लग गया। तो यहाँ पर कंज्यूमर भी फील करते हैं कि हमारा पैसा रुक गया, हमने यहाँ पर क्यों इन्वेस्टमेंट कर दी। और दूसरी ओर जो है मंथली इन्वेस्टमेंट भी, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, जहां से भी उन्होंने जिस बैंक से भी पैसा उठाकर यहाँ पर लगाया है घर के घर खरीदने के लिए, उसको इंस्टॉलमेंट भी देते हैं। दूसरी ओर मतलब यही भाव यहाँ पर लगता है कि मतलब कि वो किसी ऐसे घर के लिए पैसे दे रहे हैं जो मतलब अभी वो घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके लिए वो ऐसे रेंट पे करे, तो इस तरीके से वो लगता है जब वो मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो दे रहे होते हैं बैंकों में ऐसे घर के लिए जहां पर अभी वो गए नहीं है, लेकिन सिर्फ वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे, तो इस तरीके का भाव यहाँ पर करेगी। दूसरी बात ऐसे लगता है जैसे वो रेंट पे कर रहे हैं कि अभी वो जो घर है ना वो अभी अभी पूरी तरीके से बना नहीं, तो ये सिनेरियो उनके सामने भी रहता है। और इसके अलावा आगे बात करें कि अभी अगर भारत तो भारत सरकार की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो उन्होंने अभी एक यूनिक अप्रोच लगाई कि इस मसले का हल चाहिए। तो इस मसले का हल निकालते के चलते यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि अभी उन्होंने जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना, तो उसको यहाँ पर थोड़ा सही करने की यहाँ पर जो कोशिश किया कि जो बिल्डर्स जो है आसानी से अपने प्रोजेक्ट को समय रहते जो है कंप्लीट कर पाए, और यहाँ पर जो बिल्डर्स और यहाँ पर होम ओनर्स दोनों का इंटरेस्ट जो है उनको सामने रखकर, ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से यह फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है यहाँ पर स्वामी फंड, ओके, तो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि पैसे देगा यहाँ पर जो स्टैंड लोन यहाँ पर एंटाइटी होगी, मतलब जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए यहाँ पर पैसा दिया जाएगा, ना कि बिल्डर के लिए कि इस बिल्डर को पैसा दो। पैसा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेगा कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगेगा, लगाओ जितना लगता है, इस फंड से आपको पैसा मिलता जाएगा। ओके, तो अभी इनका काम यही है कि मतलब जो किसी भी प्रोजेक्ट को लैंड करना, पैसे देने, उसमें उसमें यहाँ पर वायबिलिटी असेसमेंट उस प्रोजेक्ट की पहले कर लेते हैं, मतलब कि ये देख लेते हैं कि अगर इसमें अगर ये स्वामी फंड का पैसा लगता है तो कल को कारगर होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है किसी मतलब ऐसी लोकेशन में उठाकर जमीन खरीद ली कि जहां पर कल को बुलडोजर चल जाए, कल को कोई यहाँ पर भारत सरकार की कोई एंटिटी आकर बोल दे कि मतलब ये तो गलत जगह पर बन गई बिल्डिंग, या फिर इसके अलावा और कुछ भी चीजें, मतलब कि पहले ही असेसमेंट कर ली जाती है प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट सही है, ओके, डूबने वाला तो नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो है फर्दर फिर जो स्वामी फंड के द्वारा जो है एडिशनल फंडिंग भी इनको दी जाती है इस प्रोजेक्ट के तहत, इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं और यहाँ पर आगे बढ़े और टाइमली मैनर में जो होम ओनर्स हैं उनको उनका घर जो है वो मिल जाए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है, तो ये मतलब एक तरीके से सेल्फ कंप्लायंट, स्वयं अनुशासित है, मतलब कि जो फंडिंग यहाँ पर की जाती है कुछ यहाँ पर स्टेजेस के हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जैसे अगर एडिशनल फंडिंग देनी है तो यहाँ पर वो तभी दी जाएगी जब यहाँ पर जो बिल्डर है ना किसी यहाँ पर एक माइलस्टोन को अचीव कर लेता है कि किसी एक मतलब पड़ाव तक जो है काम को कंप्लीट कर दिया गया है, किसी एक पड़ाव तक घरों को बना दिया गया है, तो अगर उसको ये अचीव कर लेते हैं तभी जो है एडिशनल फंडिंग इनको दी जाती है। और इसी के चलते जितनी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, तो यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव जो है ना इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी का वो यहाँ पर लगाया जाता है कि जो देखने जाता है कि जो लेबर है, जो मटेरियल मूवमेंट है, ओके, तो क्या वो सही हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, जो भी यहाँ पर डिसबर्समेंट हो रही है, ओके, तो यहाँ पर जो है क्या वो डायरेक्टली जो वेंडर्स के हिसाब से यहाँ पर जो वो चाह रहे हैं, ठेकेदार जो चाह रहा है वही चाह रहे हैं उस हिसाब से हो रहा है, या फिर कोई यहाँ पर और भी इन्फ्लुएंस जो है ना इस कंस्ट्रक्शन साइट में किया जा रहा है किसी और के द्वारा, तो ये सभी चीजें यहाँ पर चेक की जाती है। और यहाँ पर ये भी चीज इंश्योर की जाती है कि जो पैसा जो यहाँ पर दिया जा रहा है ना वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट्स के तौर पर ही यूज किया जाए। तो यहाँ पर दूसरी ओर ये भी बात करें जो ये फंड है, ये वाला जो स्वामी फंड है, तो इसमें यहाँ पर कंप्लीट कंट्रोल है
ऑन द इनपुट एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट यहाँ पर किसी या थर्ड पार्टी का अकाउंट होता है, अगर बैंक की बात करें तो। इसमें ऐसा है कि इसमें दूसरे जो बंदे हैं ना, तो यहाँ पर वो पैसा देते रहेंगे, तब तक देते रहेंगे जब तक कोई यहाँ पर स्पेसिफिक टास्क जो है वो इवेंट जो है या समय जो है ना वो खत्म नहीं हो जाता। यहाँ पर जो अगर स्पेसिफिक टास्क की बात करें तो वो यहाँ पर यही है कि घर की कंस्ट्रक्शन कब यहाँ पर जो है कंप्लीट होगी, तब तक यहाँ पर जो है बिल्डर के जो अकाउंट में ये पैसा जो है धीरे धीरे फंड जो है यहाँ पर जाता रहेगा, और उसी पैसे को यूज करके ये है आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बढ़ाते रहेंगे। और यहाँ पर पूरी तरीके से ये इंश्योर करते हैं कि मतलब जो फंड है ना पैसा, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसकी पड़ताल करते हैं अच्छे से, पूरी लगन से, कि अच्छे से यहाँ पर काम हो, जिस पर्पस के लिए पैसा दिया जा रहा है उसी पर्पस के लिए इसको यूज किया जाए। और आगे यहाँ पर बात करें, जो यहाँ पर सेंक्शन लिमिट है वो भी सफिशियंट है, कि मतलब कि कब तक आप जो है यहाँ पर एंटायर प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करोगे विदाउट सिग्निफिकेंस डिपेंडेंस ऑन कलेक्शंस एंड इंक्रीमेंटल सेल्स। मतलब कि क्या कलेक्शन आपके पास आए, कि अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचते हो या कोई सेल करते हो, उसको एक साइड पे रख दो, वहां पर कोई लेना देना है ही नहीं, वहां पर जो है अलग से आपको पैसे मिलते जा रहे हैं। ओके, इस फंड के तहत तो आपने उसी फंड को यूज करके पैसा लगाना है और यहाँ पर काम कंप्लीट करना है। तो यह सबके चलते यहाँ पर सबसे जरूरी बात यही है कि जो फाइनेंसिंग है ना वो सही तरीके से होती रहे, इसको इंश्योर करके चलना है। और साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी पॉसिबल सपोर्ट जो है ना बिल्डर को ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट साइकिल, ये करते रहना है, जिस तरह की भी वो सपोर्ट मांगे। और फर्दर यहाँ पर बात करें, जो इंटरेस्ट है, जो पेमेंट लाइबिलिटी है, वो तभी यहाँ पर शुरू होगी जब यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया, उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बनकर तैयार है। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर अगर ये इंश्योर करना है कि फंड्स को रिकवर करना है, जैसे अभी इस समावी फंड के तहत यहाँ पर SBI वालों ने तो पैसा लगा दिया, अभी इसको रिकवर भी तो करना है ना। तो यहाँ पर बात करें, जो लैंडर है ना, तो लैंडर यहाँ पर वही है SBI कैप वेंचर्स, कि जो जिन्होंने यहाँ पर इस फंड में पैसा लगाया है, तो उनका यहाँ पर जो है ना सबसे पहला चार्ज है उन एसेट्स के ऊपर। ओके, जो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए गए, जो भी कंस्ट्रक्ट हुए हैं स्वामी फंड को यूज करके, तो जब यहाँ पर फंड को रिकवर करना, जब लोगों ने खरीद लिया है, ओके, तो पैसा जो है जो अमाउंट यहाँ पर लगी है स्वामी फंड के तहत, तो यहाँ पर रिकवर किया जाएगा SBI के द्वारा। और आगे यहाँ पर बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, तो उसके रिगार्डिंग कहा जा रहा है कि जितने भी डिसीजन है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, कि पैसा अब लगाना है प्रोजेक्ट के ऊपर, तो फैसला तो लेना पड़ेगा ना कि लगाना है या नहीं लगाना है। तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, तो यही यहाँ पर फैसला लेती है, जिसमें कि 5 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर SBI कैप वेंचर के जो यहाँ पर चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, इनको निकाल कर। ओके, तो इसके अलावा, ओके, तो ये तो यहाँ पर होते ही होते हैं, इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करके 5 एक्सटर्नल मेंबर भी यहाँ पर होते हैं। ओके, तो इन्होंने तो यहाँ पर होना ही होना, क्योंकि यहाँ पर इनके द्वारा तो यहाँ पर फंडिंग है सारी। तो यहाँ पर एक्सटर्नल मेंबर जो है ना, तो वो कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं यहाँ पर जो बड़ी यहाँ पर लॉ फर्म्स हैं। ओके, तो इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जिनको काफी तजुर्बा है कंस्ट्रक्शन करने का, इसके अलावा पर्सन जो यहाँ पर की विद डेवलपमेंट और होम फाइनेंस एक्सपर्टाइज, मतलब कि घर को फाइनेंस करने में जो एक्सपर्ट महारत हासिल रखते हैं, तो उनको भी लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल होते हैं, जो कि अपने दम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके, तो उनको भी लिया जाता है। तो अभी जितने भी ये एक्सटर्नल मेंबर हैं, ये अपने डोमेन के एक्सपर्ट्स होते हैं, अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट होते हैं, और यहाँ पर अगर इनका इनकी सलाह ली जाती है इस कमेटी में, तो यहाँ पर अच्छी समझदारी वाले डिसीजन जो है ना वो निकल के सामने आने के यहाँ पर चांसेस रहते हैं, और तभी जो है यहाँ पर फाइनेंसिंग जो है प्रोजेक्ट को यहाँ पर प्रदान की जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इस फंड को यहाँ पर स्केल अप भी किया जा सकता है टू क्रिएट वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी टीम्स, मतलब कि भारत की सबसे बड़ी ऐसे जो यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल होते हैं उनको जोड़कर, तो यहाँ पर एक बड़ी टीम बनाई जा सकती है जो कि मतलब फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकती है और भी बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पर कुल यहाँ पर 40 प्रोफेशनल्स को यहाँ पर ना जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक टीम बनाने की बात करें इनको जोड़कर। और अभी बात करें कि अभी 43 मीटिंग्स अभी तक ये हुई है यहाँ पर इस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट कमेटी की, और जिसमें 72 प्रोजेक्ट्स को अभी तक फाइनल अप्रूवल दे दिया जा चुका है, और 132 प्रोजेक्ट्स को अभी तक प्रिलिमिनरी अप्रूवल मिला, शुरुआती अप्रूवल मिला है। और इसके अलावा टोटल नंबर जो है अभी अप्रूवल प्रोजेक्ट्स का, जिसके चलते 204 हो गया। तो ये जो सैंक्शन अमाउंट अभी इन प्रोजेक्ट्स के लिए हुई है, अभी 18,546 करोड़ के आसपास हुई है। तो टोटल जो यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो जो है ना 54,520 करोड़ है।
तो अभी सैंक्शन अमाउंट सिर्फ अभी इतनी हुई है, पहले कुछ यहाँ पर माइलस्टोन तक काम करके दिखाएंगे, फिर बाकी की राशि जो है यहाँ पर जारी की जाएगी बिल्डर्स को। तो आगे यहाँ पर बात करें कितने यहाँ पर टोटल घर बनाए जाएंगे इस राशि को यूज करके, तो यहाँ पर 1,16,572 घर जो है ना ये बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर अभी सिर्फ 5 प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो अभी तक यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट कमेटी के द्वारा रिजेक्ट किए गए, इसके अलावा जितने भी ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको अप्रूवल मिली है। और साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट में बात कर रहे हैं कि जो टोटल कैपिटल है 54,520 करोड़ का, तो ये भी यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, जो कि आने वाले समय में और भी बहुत सारे यहाँ पर घर जो है ना उनको निर्माण करने में सहायक होगा। तो यहाँ पर बात करें, वी हैव सीन जस्ट वन कंप्लीटेड प्रोजेक्ट सो फार, अभी तक सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है ना 25 प्रोजेक्ट जो है, फंड एक्सपेक्ट्स टू कंप्लीट 25 प्रोजेक्ट्स विद 1,200-1,600 होम्स इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो आने वाले यहाँ पर 12 महीनों, एक साल में बात करें कि भी इतने 12,000, 12,500 के आसपास प्रोजेक्ट जो घर है ना वो बनकर कंप्लीट हो सकते हैं 25 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के तहत। तो वहां पर फंडिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा सकती है कि उनको दी जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट में बात कर रहे हैं कि जो स्वामी फंड है, एक तरीके का इनोवेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, और इसको रेप्लीकेट करना चाहिए, इसको मतलब कॉपी करना चाहिए जो भारत के और भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के सेक्टर है वहां पर, कि वहां पर भी ऐसे ही इसी टेक्निक को यूज करके यहाँ पर उन प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। तो यहाँ पर इनोवेटिव फाइनेंसिंग जो फाइनेंसिंग है वो बहुत जरूरी है, वो अभी समय की जरूरत है कि फाइनेंसिंग बिल्कुल सही तरीके से हम करके चलें, इसके रिगार्डिंग जो फैसला ले बिल्कुल सही तरीके से लें, बैंकों की तरह मत करें जो सरकारी बैंकों ने जो हालात बनाकर रख दी हैं उनसे सीखें, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगाए जो कल में वेस्ट हो जाए। तो इस तरीके यहाँ पर बात करेंगे, बिगेस्ट यार्डस्टिक जो हमारे पास है तो अभी वो यही है कि मतलब जो सबसे पहला मेजर है कि यहाँ पर स्कीम जो है ना, ये वाली स्कीम कैसे अभी जो है सक्सेसफुल होगी आने वाले समय में। तो ये अगर सक्सेसफुल होती है तो फिर यहाँ पर जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं तो उनको यहाँ पर घर मिलने शुरू हो जाएंगे बड़े पैमाने पर। तो ये एक ऐसी यहाँ पर जनसंख्या है भारत में जिसकी काफी मिडिल क्लास फैमिलीज की जनसंख्या भारत में है, तो उनकी ही यहाँ पर ना पिछले कुछ सालों से यहाँ पर रकम फंसी रहती थी जब भी वो घर खरीदने जाते थे, मतलब मिडिल क्लास वर्ग यहाँ पर फैमिलीज ही ज्यादातर होती थी जो फ्लैट बुक करना था, खरीदना था, पैसे उठा लिए बैंक से और यहाँ पर पैसे लगा दिए लेकिन फ्लैट मिला ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे चांसेस होते रहे हैं कि फ्लैट मिला 2, 3, 4 साल बाद, जब यहाँ पर जो भी डिस्प्यूट था सब खत्म हो गया, फिर जाकर कंस्ट्रक्शन खत्म हुई, फिर जाकर आपके हाथ में चाबी आई। तो आखिर में है ये एडिटोरियल नंबर 4। तो यहाँ पर बात करें कोविड आत्म ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि जो वैक्सीन है ना, तो अभी हमें जो 7 बिलियन जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की उसको टारगेट बनाकर हमें काम करना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली इस एडिटोरियल में ये बात की जा रही है। और इसके अलावा जो पूरा अभी हिस्ट्री रही है, जैसे यूएस ने अभी बैन करके रखा हुआ था कि अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन जो एक्ट था जिसके चलते एक्सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज का, उसके बारे में पूरा यहाँ पर बताया गया है। तो अभी एक्सपोर्ट के ऊपर जो पाबंदी थी हालांकि यूएस ने हटा दी है, अभी जो रॉ मटेरियल्स है वो बेचने शुरू कर दिए हैं। तो इसके अलावा बात करें कि अभी धीरे धीरे सभी देश जो है अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो मतलब किसी किसी यहाँ पर जो है पड़ाव तक पहुंच रहे हैं। तो अभी उसी तरीके से भारत को भी बात कर रहे हैं कि वो भी अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ा सकते हैं, जो पहले एडिटोरियल में जो हमने डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर काफी चीजें इसके रिगार्डिंग है। तो नई बात यहाँ पर यही है कि यहाँ पर पूरी दुनिया को टारगेट करना है, अगर अच्छे तरीके से हम चाह रहे हैं कि इस कोरोना वायरस को एक साइड कर दें, इसको खत्म कर दें। ओके, तो इसको आप एक खुद भी एक बार रीड करें इस आर्टिकल को, तो इसके बारे में बहुत बार हम चर्चा जो है कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो है ई बिजनेस। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि कंप्यूटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि यहाँ पर इंटरनेट के साथ लिंक होता है। तो यहाँ पर ये लिंक होता है बोथ इंटरनल ऑपरेशन और एक्सटर्नल ऑपरेशन के साथ। तो अगर इंटरनल ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आ गई, कम्युनिकेशन आ गया, किसी यहाँ पर दो वेरियस डिपार्टमेंट्स में हमने बातचीत की। ओके, यहाँ पर जहाँ फिर दो बिजनेस फॉर्म में आपस में बातचीत हो रही है। और दूसरा यहाँ पर अगर एक्सटर्नल ऑपरेशन में बात कर रहे हैं, जितने भी हम डीलिंग्स कर रहे हैं किसी सप्लायर के साथ, किसी अपने कस्टमर्स के साथ, तो वहां पर ये एक्सटर्नल ऑपरेशन हो गए और इंटरनल ऑपरेशन के बारे में हमने अभी बात की है। तो इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर का जो इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, तो अभी इसी को हम बोलते हैं ई बिजनेस। तो कैसा लगा लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।